दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही गर्म है, और यहाँ का केवल टेम्परेचर ही गर्म नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की जेब भी बहुत गर्म है, क्योंकि ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, जहाँ लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी भले ही महसूस हो लेकिन जेब में नोटों की कमी कभी भी महसूस नहीं होती। और अगर आपने एक बार इस देश की लड़कियों को देख लिया ना, तब तो आपका दिमाग ही फिर जाएगा भाई। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे अनोखे देश कुवैत के बारे में, जो कि है तो बहुत ही छोटा सा, लेकिन अमीरी के मामले में इसने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि कुवैत का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं तो बता देता हूँ कि कुवैत का पूरा नाम है दवालत अल कुवैत। इस देश की स्थापना साल 1613 में की गई थी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है। और अगर इस देश की आबादी के बारे में बात करें तो दोस्तों दिल्ली की एक कॉलोनी में जितनी आबादी होती उतनी आबादी अकेले इस देश में, तभी तो यहाँ पर सिर्फ 43 लाख के करीब लोग रहते हैं। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों कुवैत में रहने वाले 100% लोग शहर में रहते हैं, यानी कि इस देश में कोई गांव नहीं। और सबसे खास बात है यहां पर कुवैत सिटी, जिसकी सीमा इराक और सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है, इसी शहर में ज्यादातर सरकारी दफ्तर है। जहां ये राजधानी होने के साथ साथ इसे देश की कल्चरल और इकोनॉमिक राजधानी भी कहा जाता है, और साथ ही ये अरब जगत का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अगर हम यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुवैती दिनार चलते हैं, जो कि दुनिया में सबसे महंगी करेंसी में से एक है। साल 2013 में कुवैती करेंसी को दुनिया का सबसे महंगी करेंसी का दर्जा मिला था। इस समय एक कुवैती दिनार 266 भारतीय रुपए के बराबर है, यानी कुवैत की करेंसी डॉलर से भी 2 गुना ज्यादा महंगी है भाई। ऐसे में अगर आप कुवैत जाने का विचार बना रहे हैं तो जरा सोच लीजिएगा। दोस्तों कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है, जहां ये 60% तेल तो अकेले एशिया में एक्सपोर्ट करता है। कुवैत में तेल की खोज साल 1934 में की गई थी, और तब से कुवैत लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं भाई। जिस आलीशान जिंदगी को जीने के लिए एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, उसी जिंदगी को वहाँ के लोग बहुत ही आराम से बिना ज्यादा मेहनत किए जी रहे हैं, क्योंकि इनके पास है बेशुमार दौलत। और यहाँ रहने वाली अधिकतर आबादी अमीर है, तभी तो इनकी दौलत का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ एक आदमी की आय $71,000 है? यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी कंपनी चलाते हैं, इसलिए कुवैत की कुल 70% आय वहाँ की इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। यहाँ के लोग दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और एक से बढ़कर एक शानदार घरों में रहते हैं, यानी कि भाई साहब सब लोग यहाँ रईस ही रहते हैं। हमारे आप जैसा शायद ही कोई यहाँ रहता होगा। हालांकि इस देश में केवल पैसों की गर्मी नहीं है बल्कि असल में भी बहुत गर्मी है, क्योंकि जितने भी अरब देश हैं वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ दिन में तो टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही कुवैत में भयानक गर्मी पड़नी शुरू होती है वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह काम होता है उन्हें 2 शिफ्ट में करना पड़ता है। एक शिफ्ट सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है, और फिर शाम को 5 बजे से 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट, क्योंकि दिन के समय में यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि काम करना दूर की बात है, कोई आपको यहाँ पर बाहर घूमता हुआ भी नजर नहीं आएगा। दोस्तों कुवैत अरब का एक मुसलमान देश है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कानून तो सख्त होंगे, तभी तो ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है जहाँ पर शराब मिलना या फिर उसे बेचना पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ आप बाहर के देशों से भी यहाँ पर शराब नहीं ला सकते। वैसे आपको मालूम है क्या कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों वाले देश की बात की जाए तो कुवैत इसमें भी टॉप पर है, क्योंकि यहाँ रहने वाली औरतें हद से ज्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। पर यहाँ एक अजीब नियम है कि अगर आप कुवैत की किसी महिला को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो महिला आपके पास गिफ्ट लेने के लिए नहीं आ सकती, बल्कि यहाँ के नियम के अनुसार उसकी जगह उसके माता पिता या भाई आएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद यहाँ सोच आज भी पुराने ख्यालों की चल रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहली बार साल 2006 में वहाँ की महिलाओं को वोट करने तक की इजाजत नहीं थी। अब चीजें बदल रही हैं और कई महिलाएं सांसद भी हैं, और उन्होंने कुवैत को आगे बढ़ने के लिए काफी काम भी किया है। दोस्तों कुवैत में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार कुवैत में रहने वाले लोग अपना खाली समय में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ और गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। और दोस्तों क्या आपको मालूम है कि कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाली गैस से भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। और अगर देखा जाए तो कुवैत में एक साल में औसतन 2 दिन बारिश होती है, जो कि बाकी जगहों से बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर हर जगह समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र के नमकीन पानी को मशीनों की मदद से प्योरीफाई कर दिया जाता है, और तब कहीं जाकर लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं।
बस दोस्तों, अगर अभी पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो बच्चा बच्चा बुर्ज खलीफा का नाम लेगा ना। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आने वाले मात्र कुछ ही सालों में बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर कुवैत देश में बनने जा रहा है, जिसका नाम है बुर्ज मुबारक अल कबीर, और साल 2030 तक इसे शायद पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। यहाँ की सरकार को ये विश्वास है कि अगर ये टावर बन जाएगा तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रहने आएंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया है कि कुवैत बहुत ही एडवांस देश है और अमीर देश है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इतना अमीर होने के बावजूद यहाँ पर रेलगाड़ी नहीं चलती? जी हाँ, असल में यहाँ की आबादी बहुत ही ज्यादा कम है और इतनी कम आबादी में ट्रेन की जरूरत नहीं है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, क्योंकि पेट्रोल की तो उन्हें टेंशन ही नहीं है। पेट्रोल तो पानी से भी सस्ता मिलता है, इसलिए उन्हें यातायात के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कुवैत जितना अमीर है ना, पढ़ाई के मामले में उतना ही गरीब भी है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही यूनिवर्सिटी और वो है कुवैत यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हालांकि ज्यादातर लोग यहाँ पढ़ते नहीं है, क्योंकि स्कूल खत्म होते ही आधे ज्यादा बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस में पढ़ाई करने पहुंच जाते। दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म यह लिफ्ट तो आपने देखी होगी, असल में एक सच्ची घटना पर आधारित है, जब 1990 में आतंकवादियों ने कुवैत पर हमला कर दिया था। लेकिन इसी हमले के बीच 13 अगस्त 1990 को 1,70,000 इंडियन लोगों को एयर इंडिया ने अपने मुल्क पहुंचाया था, और ये इंसिडेंट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुवैत का पूरा सच, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।